न्यूज नाउ के हिंदी समाचार में मैं आशीष गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अब खबरें विस्तार से। जल संपदा मंत्री केशव महंत ने किया बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा, ली बाढ़ पीड़ितों की सुध। न्यूज नाउ की एक विशेष रिपोर्ट। राज्य के जल संपदा मंत्री केशव महंत ने आज उत्तर पश्चिम जोरहाट के बाढ़ पीड़ित इलाके का दौरा किया। मालूम हो कि इस साल की पहली बाढ़ ने ही मालूखात गांव के भगदोई नदी का तटबंध का बड़ा हिस्सा बहा कर ले गई है, जिसके कारण इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। अपने दौरे के दौरान मंत्री महंत ने बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत करके उनकी सुध भी ली। मालूम हो कि बाढ़ के कारण टूटे तटबंध की मरम्मत का काम अभी भी जारी है, उसका भी निरीक्षण मंत्री महंत ने किया। इसके बाद मंत्री महंत ने इस तटबंध के पुनर्निर्माण हेतु एक परियोजना भी तैयार की है, जिसकी लागत 4,95,00,000 रुपए है। इस दौरान मंत्री केशव महंत के साथ विधायक भवेंद्रनाथ भराली, जिला उपायुक्त अपरांजी कराती, जल संपदा विभाग के कार्यकारी अभियंता दिगंत शर्मा भी उपस्थित है। ইয়ার যেটু কেবা ঠাইটো ভাগিছে আর ভগাই নহয় লগলগে মাথরটি খহনীয়া হয়েছে। আমি প্রটেকশন ওয়ার্ক আর এম্বেংমেন্টটো পুনর্নির্মাণ দুইটা মিলাই আমি ইতিমধ্যে 4,50,95,00,000 টাকার এস্টিমেট DDMA পাস করে পেলায় আমালে প্রেরণ করেছে, গতি সেটা স্থায়ীভাবে করা হব। আর এটা আমি যত আপনাদের আজ কাম করে আছে আর এই কাম করার কারণে ইতিমধ্যে নদীখন যেফালে বয়ে আছে তারপা আকো উন্নতি যাবলগা হয়েছে আর এই গোটেই অঞ্চলট দ্বিতীয়ত পানিরে আকো হয়তো আজি মামার পানি বাড়িছে, আজি দিনটা আকো আমি রিলিফ দিবলগা হল ইয়াত বা ঘরে ঘরে পানি কমালেন, এটা সেইটা আজি রক্ষা পড়ছে আর ইয়াত 80,00,000 টাকার আমার এস্টিমেট এটা বনায় কাম আরম্ভ হয়েছে। স্যার গোটে প্রজেক্ট আর কিমান লাগবে আর মানে যে যে মাথায় হোক এমেন্ডমেন্ট বনালেকে? নহয় নহয়, এতিয়া কথা হল কি আমি বারিষার ভিতর আকো যাতে পুনের যে পানি আহিব পারে বলে আমি আশঙ্কা করেছো, সেই পানি যাতে ইয়াত নকমায় এই আজি নিশ্চিত হয়েছে আপনাদের প্রত্যেককে ইয়াত থাকি পেলায় দেখিলে। আর দ্বিতীয়ত কথা হয়েছে কি আমি বারিষার যাওয়ার লগেলগেই পুনের ইটু যেটা আমি এতিয়া এস্টিমেট বনাইছো তার দ্বারা আমি সম্পূর্ণভাবে ইয়াত। न्यूज नाउ के लिए कनकन ज्योति शर्मा की रिपोर्ट। भीषण गर्मी में बिजली पर्याप्त न दिए जाने के कारण जोरहाट आंचलिक छात्र संस्था ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के रोके जाने पर लगाए असम पुलिस गो बैक के नारे। एक रिपोर्ट। जोरहाट आंचलिक छात्र संस्था ने इस भीषण गर्मी में बिजली गुल हो रहने के कारण बिजली विभाग के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि इस गर्मी में बिजली ने भी अपना रंग दिखा दिया है। एक तो दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी, ऊपर से दिन हो या रात ज़्यादातर बिजली ना होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों को लेकर आसू ने इस विरोध कार्यसूची का पालन किया। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने असम पुलिस गो बैक के भी नारे लगाए। নির্বাচনী এজেন্ডাত আসে যে 24 ঘণ্টায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ থাকিব, গ্রাম্য অঞ্চলত বিদ্যুৎ থাকিব। কিন্তু কার্যক্রমত আমি দেখবলে পালো যে বিদ্যুৎ যোগান ধরো 24 ঘণ্টা বাদে আজি দেখা 24 মিনিটও বিদ্যুৎ নকৰা হৈছে। আর ইয়াকে লৈ আজি আমি বিদ্যুতৰ অভাৱৰ বাবে আজি যিটো এটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সকলো শ্রেণীর রাইজে বিপদত পৰিছে।
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পর ছাত্র ছাত্রীর পর সরকারি বেসরকারি কার্যালয়ের কাম কাজ প্রায় স্তব্ধ অবস্থা হয়েছে। ইয়ার প্রতিবাদে আজি বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া করার দাবিত যোরহাট আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় এক প্রতিবাদী কার্যসূচী আয়োজন করেছিলো। আমি শক্তি বিভাগৰ প্ৰতিনিধিক দাঁড় কৰিছিলোঁ। প্ৰতিবাদ কৰি আমি স্পষ্টভাৱে অসমৰ উঠাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে যাওঁতে सीमंत माधव बरुआ की रिपोर्ट न्यूज नाउ 24x7। जोरहाट के विधायक हितेंद्रनाथ गोस्वामी ने रखी 4 नंबर वार्ड प्राथमिक विद्यालय की नवीनीकरण की आधारशिला। एक रिपोर्ट। जोरहाट के विधायक और असम विधानसभा के अध्यक्ष हितेंद्रनाथ गोस्वामी ने कल बरुआ चाराली के समीप 4 नंबर वार्ड प्राथमिक विद्यालय के नवीनीकरण की आधारशिला रखी। यह विद्यालय जिले के प्राचीन और नामचीन विद्यालयों में से एक है। विद्यालय को नए और आधुनिक रूप से तैयार किए जाने के लिए विधायक गोस्वामी ने इसकी आधारशिला रखी है। ইয়াততো আমার ভাত লাগিব, ভাত নহলে দিগদার হব বলে কোনবাই গেলে তো মোট দিগদার হব। মানে এই কথাটা বিধানসভা যেটা কৈছিল বিরোধী বিধায়ক হিসাবে আমার মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মোক কলে হিতেন গোস্বামী ধনী মানুষ লওয়ার কারণে দুখিয়া মানুষ দোষ নুবুঝে। মই তরুণ গগৈ কৈছিল তরুণদা বোলো আপুনি মোৰ ঘৰখনৰ কথা জানে, আমি একো ধনী নহয় কিন্তু দেউতা মায়ে ভাত পাতি খুৱাই খুঁজিছিল এইটো হয়। মই কৈছো শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চাৰি নম্বৰত ধ্বংস কৰিছে এই চাৰুটোৱে। আৰু তেতিয়া কিন্তু বিধানসভাত এইবোৰ ৰেকৰ্ড আছে। মেডিকেল কলেজখন মই পাতোতে কৈছিলো ছখন নাপাতিব, তিনিখনৰ পিছত চাকিখন চাৰিৰ পৰা পাঁচ, পাঁচৰ পৰা ছয়। মই দুই দিন মই পৰামৰ্শ দিওঁ কোনো যোৰহাটত মেডিকেল কলেজ পতাত হিতেন গোস্বামী আপত্তি কৰিছে। মই কওঁ প্ৰধান শিক্ষক একেজনে এডমিশ্যন তেনেকে হ'ব, কিন্তু সকলোৱে ঋণ চুবুৰীটোৱে সোমাই থাকিব বিচাৰে। মই এইকাৰণে কৈছোঁ তো আৰু বোলে এতিয়া পানী পৰিছে, মই দিছোঁ কিবা এটা কৰা ভাল, মোৰ ইচ্ছা নাছিল প্ৰথমতে, কাৰণ আপোনালোকে নিজৰ মতে চলে। শিক্ষা কেনেকৈ হৈছে আপোনালোকে অকণমান মিশনাৰী স্কুলবিলাকত যাব, তাততো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একোপাতি নিদিয়ে, ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা লাইন লাগে তাত, কিবা বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ে নেকি, এম এল এ মন্ত্ৰী হ'লেও নিদিয়ে। আমাৰ যিটো কেপাচিটি আমি সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিম, 4 নম্বৰ শিক্ষক শিক্ষকসকলে অন্য এখন স্কুলত গৈ তাতো 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ শিক্ষা দিব পাৰি বুজাওক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। जोरहाट में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, संवेदनशील इलाकों में होगी पुलिस की पैनी नजर। एक नजर। देश की पुलिस के साथ जोरहाट पुलिस भी 73वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर चुकी है, जिससे कि स्वतंत्रता दिवस या उससे पहले शहर में कोई अप्रिय घटना न घट सके। शहर के मुख्य जगहों सहित शहर के प्रवेश द्वारों पर आने जाने वाले वाहनों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। संवेदनशील इलाकों के में जिला पुलिस अपनी पैनी नजर रखी हुई है और इनके लिए विशेष व्यवस्था भी की हुई है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए सेना और अर्धसैनिक बल सहित जिला पुलिस भी हर जगह तैनात की गई है। वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को सामने रखते हुए जोरहाट आरक्षी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सब तरीके के इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जो सुरक्षा व्यवस्था में जो जो कदम उठाने चाहिए हम लोग उठा रहे हैं, स्पेशली जो बॉर्डरी इलाके हैं जहाँ जहाँ से एंट्री, जिले के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, सब जगह पे हम लोग चौकन्ने हैं। सामरिक अर्धसामरिक वाहिनी तथा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स तथा जवान तक सभी को अलर्ट किया गया है और बीच में अभी डिप्टी कमिश्नर जोरहाट मैडम ने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को जारी किए हैं, उसमें पिनियन राइडिंग बैन है, उसके बाद टिंटेड ग्लास पहनना हेलमेट के साथ वो बैन है। सो जैसे कि 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए जो जो सिक्योरिटी के इंतजाम करने जरूरी है वो हम लोग सब स्टेप्स ले रहे हैं। थैंक यू सर।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24x7 जोरहाट। नुमलीगढ़ में हाथियों का आतंक जारी, लोगों का कहना है आखिर कौन सुनेगा बात हमारी। न्यूज नाउ की एक विशेष रिपोर्ट। ये है नुमलीगढ़ के 4 नंबर रंगबंग इलाका। यहाँ कई दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। गत 8 अगस्त की सुबह हाथियों का एक बड़ा झुंड इस इलाके में प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के साथ ही कई घरों को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। यहाँ कई लोग को हालत ऐसी रही कि कई लोगों के जान पर बन आई, मगर फिलहाल माल की ही नुकसान हुई है। सिर्फ घर ही नहीं, यहाँ खेती बाड़ी वाले इलाके को पूरी तरह से ये लोग तहस नहस कर चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज वह हाथियों के आतंक के साय में जीते रहते हैं। साथ ही लोगों ने आरोप लगाया है कि बकलियाल खंड वन विभाग को सूचना दिए जाने पर भी उनकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, ऐसे में हम जाए तो आखिर जाए कहाँ। প্রায় ডেৰ দুটা বজা আহি হাতে আহি পেলাই উপদ্রব কৰে। উপৰ পৰা আমাৰ ঘৰ যেন তেন প্ৰাণ বাচি পেলাই পলাই যায়, কিন্তু মই ওলাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি টেবুল চকীপা ধৰি টিভিলৈকে খতম হয়, আৰু বন বিভাগক কেতিয়াবা ক'লেও উপস্থিত নহয়। সিহঁতে একো বাকী নাথাকিলে, সকলো ভাগিলে, কেইবাটাও এনেই দিন হাজিৰা কৰি যেন তেন চলি থাকোঁ। ঘৰ আছিলে দুটা, ল'ৰাটো ঘৰো ভাঙিলে আৰু নিজৰটো ভাঙিলে। आज के समाचार में बस इतना ही। विभिन्न कार्यक्रमों और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ 24x7।